आई फ्लू यानी कि कंजक्टिवाइटिस। बिलासपुर में इस वक्त आई फ्लू का कहर बरपा हुआ है। आपको बता दें कि सैकड़ों मरीज कंजक्टिवाइटिस से। राजधानी ईटानगर में तो नर्सरी से क्लास 8 तक के सभी स्कूलों को 29 जुलाई तक के लिए बंद कर दिया गया है। देश के सबसे बड़े अस्पताल एम्स में ही रोजाना 100 मरीज कंजक्टिवाइटिस के आ रहे हैं। एम्स से सटे सफदरजंग में भी कुल आने वाले मरीजों का 6 दिनों तक रह सकता है। इसे पिंक आई इन्फेक्शन के नाम से भी जाना जाता है। बाढ़ गई पर ये आफत छोड़ गई। जी हाँ, आप लोगों ने हाल फिलहाल में अपनी इन सुर्खियों में चल रही इस खबर को जरूर सुना होगा कि भारत के अंदर कोरोना के बाद अब जो तेजी से एक बीमारी फैल रही है इसका नाम है आई फ्लू, जिसपे हमारी आंखें जो है वो लाल या गुलाबी रंग की देखने को मिल रही है। तो आज के सेशन में इसी टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे कि आखिर क्या है आई फ्लू और क्यों कुछ इस प्रकार की खबरें हमारे सामने आ रही हैं कि आपको अगर ये लक्षण दिख रहे हैं तो आपको सावधान हो जाना चाहिए। आखिरकार किस प्रकार से हमारी आंखों में ये फैलता हुआ दिखाई दे रहा है, क्या ये वाकई कोरोना की तरह है? तो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एसएससी अभिनव मैच पर। मैं राधिका और आज इसी टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे थोड़ा सा डिटेल में, क्योंकि सावधान होना बेहद जरूरी है। देखिए, आप सभी ने एक वर्ड सुना होगा कि आई फ्लू हो रहा है, आंखें कुछ इस प्रकार से लाल हो रही हैं। हाल फिलहाल में आप एक चीज और देख रहे होंगे, लोग काले चश्मे पहनकर घूम रहे हैं। अभी रिसेंटली एम्स में भी आप बात करेंगे, एक दिन में 100 मरीज इस आई फ्लू के देखने को मिले, यानी कि ये भी एक प्रकार से बहुत तेजी से बढ़ने वाला रोग देखा जा रहा है। लेकिन क्या वाकई में हमें इससे घबराने की जरूरत है? दरअसल ये आई फ्लू कहलाता है कंजक्टिवाइटिस। अगर हम इसको साइंस की नजरों में देखें, अगर हम इसको बात करें कि इसको क्या नाम दिया जाता है, तो आई फ्लू इसे कॉमन भाषा में और कंजक्टिवाइटिस इसको साइंस की लैंग्वेज में कहा जाता है। इसके अंदर आपकी आंखें कुछ इस प्रकार से गुलाबी हो जाती हैं, तो कुछ लोग इसको आम भाषा में लोकल लैंग्वेज में आंख आ जाना या फिर गुलाबी आंखों के नाम से भी जानते हैं कि गुलाबी आंखें हो गई हैं। दरअसल एक मिथ यहां पर बहुत बड़ा फैल रहा है कि अगर मैं किसी की आंखों में देखूंगा तो मुझे भी आई फ्लू हो जाएगा। क्या ये बात सत्य है? क्या ये वाकई में पॉसिबल है? आप खुद से एक बात सोचिए और बताइए कि क्या आप किसी की आंखों में देख करके किसी बीमारी को पकड़ सकते हो? मतलब ऐसी कौन सी बीमारी है जो आप आंखों ही आंखों में संपर्क के थ्रू फैला सकते हैं? भाई ये तो बहुत ज्यादा घातक हो जाएगा। तो इस बात पर ध्यान दीजिएगा कि ये देखने से फैलती हुई नजर नहीं आती है। आप किसी की आंखों में देख रहे हैं और ये फैल जाए, लेकिन इसके फैलने का कारण एक छोटा सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एक कुछ छोटे छोटे से जीव हमें देखने को मिल जाएंगे। आप कहेंगे हमें तो एलर्जी भी होती है, तब भी हमारी आंखें गुलाबी पड़ जाती हैं, गुलाबी आई या पिंक आई जिसको कहा जाता है। तो क्या अंतर है पिंक आई में और हो रहे इस बढ़ रहे आई फ्लू के केसेस के अंदर? चलिए डिस्कस करते हैं। देखिए, इसे कहते हैं कंजक्टिवाइटिस। आप देख पा रहे हैं हमारी आंखों को, हमारी आंखों के ऊपर बिल्कुल बाहरी तरफ, जो हमारी पूरी आई बॉल होती है, इसके बाहरी तरफ एक झिल्ली पाई जाती है जो कि ट्रांसपेरेंट झिल्ली होती है, जिसको नाम दिया जाता है कंजक्टिवा। अगर इस झिल्ली के ऊपर किसी प्रकार का कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस, कोई इन्फेक्शन अगर लग रहा है, तब इसमें सूजन देखने को मिलती है। इसी आई बॉल के ऊपर हुए इन्फ्लेमेशन, या आप कहेंगे कोई इन्फेक्शन हो रहा है, कोई सूक्ष्म जीव आकर के यहाँ पर असर डाल रहा है, तो आपको कंजक्टिवाइटिस होते हुए दिखाई देता है। आपके मन में ये धारणा बनी हुई है कि ये बहुत जल्दी फैल रहा है, तो इसके फैलने के क्या कारण है, इसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले याद रखिएगा, इसी को हम पिंक आई के नाम से जानते हैं, यानी कि गुलाबी आंख इसी को कहा जाता है। इसी को हम आम भाषा में आंख आना कह देते हैं। जब हमारी पुतली के ऊपर ये पतली सी झिल्ली का संक्रमण फैलता है, तब कंजक्टिवाइटिस का नाम इसको हम यहाँ पर देते हैं। अब आप ये कहेंगे कि अगर ये कंजक्टिवाइटिस हो रहा है तो इससे रुका कैसे जाए? ये पहली चीज, किसी की देखो भाई आंखों में देखने से नहीं फैलेगा। आप ये कह दो कि मैम मैंने उसकी आंखों में देखा था और ये फैल गया, लेकिन जब ये रोग होता है उस टाइम पर, इसको आई फ्लू जो हम नाम दे रहे हैं बार बार, इसके कई कारण हैं। बहुत सारे ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं, जैसे कि मैं बैक्टीरिया की बात करूं, कोई जीवाणु आ गया या कोई वायरस आ गया, क्योंकि आपको पता है जब पूरा बाढ़ का प्रकोप जगह जगह देखने को मिला, चाहे हम दिल्ली की बात करें, चाहे हम यमुना के बढ़ते स्तर की बात करें, या पहाड़ी क्षेत्रों में हुए हिमाचल में जो बाढ़ अभी आई थी उसकी बात करें, उन सभी की वजह से बहुत ज़्यादा उस पानी के अंदर गंदगी भी देखने को मिली, जगह जगह नाले उफान पर आ गए थे, नदियाँ उफान पर आ गई थी। तो इन सभी के कारण कुछ सूक्ष्म जीव जो है वो आपको यहाँ पर ये रोग कराते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये दोनों तरह से दिखाई देता है। इसके लक्षणों में मुख्य तौर से लोगों की आंखों में पानी आता है। लोगों की सबसे प्राथमिक जो आपको दिखाई देगा वो ये होगा कि आपकी आंखें हल्की सी गुलाबी रंग की होने लग जाएंगी।
आपकी आंखों में खुजली बहुत ज्यादा होगी, आंखों से पानी आना शुरू हो जाएगा, सूजन तो बिल्कुल लास्ट में आपको दिखेगी लेकिन उससे पहले आंखों के आगे एक चिपचिपा सा पदार्थ आना शुरू हो जाएगा। ये सभी सिम्टम क्या है कि जलन हो रही है, खुजली हो रही है, आंखों में दर्द हो रहा है, इसके लक्षण हमें आई फ्लू के ही नजर आते हैं। साथ ही साथ में आंखों के ऊपर कुछ इस प्रकार से, छोटे बच्चों की आंखों में रात में सोते टाइम पर आप देखते हो कुछ ऐसे ही, जिसे हिंदी में हम आम भाषा में कीचड़ आ जाना कह देते हैं, कुछ ऐसा ही यहाँ पर एक चिपचिपा सा पदार्थ आपको आंखों की ऊपर और नीचे वाली झिल्ली पर लगा हुआ नजर आएगा। तो अगर ऐसा कुछ दिख रहा है तो सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि यही आई फ्लू के मेजर लक्षण है। आंखें लाल भी हो रही है और साथ साथ में आंखों से पानी जो है वो भी आपका बहना शुरू हो जाएगा और इसके बाद आपकी आंखों पे आ जाती है सूजन, यानी कि आप देख पा रहे हैं आंखें जो है वो एक हो दो हो उनके अंदर स्वेलिंग आनी शुरू हो जाती है। और ये स्वेलिंग का मेन कारण यही है कि आपकी आंखों के ऊपर की जो लेयर है जिसे हम कंजक्टिवा कह रहे हैं उसके ऊपर इन्फेक्शन हुआ है, उसके अंदर संक्रमण देखने को मिल रहा है। तो देखिए घबराने की बात नहीं है, ये आपको अलग अलग तरह से दिखाई देगा। कोई स्वस्थ आंख है अगर तो वो नॉर्मली दिख रही है, अगर इसमें से पानी बहना शुरू हो गया आंखों के ऊपर, ये आपके चिपचिपा सा पदार्थ आ रहा है, तो ये हमारे आई फ्लू के लक्षण है। दूसरी चीज, इसको एलर्जी से कैसे हम अलग कर सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति को एलर्जी हुई है, नॉर्मली एलर्जी हुई है, तो उसकी आंखों में चिपचिपा पदार्थ नहीं बनता है, उसकी आंखों से पानी नहीं बहता है, गुलाबी आंखें जरूर देखने को मिलेंगी लेकिन उसकी आंखों से चिपचिपा पदार्थ भी नहीं बहेगा और ये पानी भी वहां पर बहुत कम ही आता है अगर किसी को नॉर्मली, क्योंकि धूल से या पॉलन ग्रेन से या किसी भी रीजन से अगर आपकी आंखों में खुजली हो गई है या एलर्जी हो गई है। तो सबसे पहली चीज, इन दोनों में अंतर है, एलर्जी और आई फ्लू दोनों ही अलग अलग हैं, इस बात को आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। इसी के साथ अगर हम बात करें कि मैडम इससे बचा कैसे जाए, क्या इसके बेसिक प्रिकॉशंस यहाँ पर हम ले सकते हैं, तो देखिए क्योंकि ये बैक्टीरियल और वायरल दोनों प्रकार से आपको दिख रहा है, एक सूक्ष्म जीव है, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, आपकी आंखों में आया, आने के बाद उसने अपने रोग को बढ़ाया और उसके बाद ये रोग आपको हो गया। अब मान लीजिए आपकी आंखों से पानी आ रहा है, आप बार बार अपनी आंखों से उस पानी को पोंछ रहे हैं, वही हाथ आप किसी भी वस्तु पर लगाते हैं और वही वस्तु कोई दूसरा नॉर्मल व्यक्ति अगर छूता है, क्योंकि ये इजीली फैल रहा है, तो वो वस्तु को छूने के बाद उस नॉर्मल व्यक्ति को भी ये लक्षण आने शुरू हो जाएंगे, यानी कि आई फ्लू की समस्या होनी शुरू हो जाएगी। तो बेसिकली इसका संक्रमण जो है वो कम्युनिकेबल दिखाई दे रहा है। आप अपनी आंखों के लिए जो भी टॉवल यूज़ कर रहे हैं, जो भी रुमाल यूज़ कर रहे हैं, उसका सही से इस्तेमाल करें और वो किसी दूसरे के संपर्क में ना आए। ये सभी जो हमारे बेसिक प्रिकॉशंस हैं, आपको वो सभी चीज़ें यहाँ पर करनी है। बार बार अपनी आंखों को रब मत करिए, मलिए मत। आप यहाँ पर अगर कॉन्टैक्ट लेंस लगाते हैं तो मत लगाइए, क्योंकि उससे ये आई फ्लू और ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसकी जगह पर आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर चश्मा पहन सकते हैं। जो भी लोग कॉन्टैक्ट लेंस का उपयोग करते हैं वो चश्मा यहाँ पर पहन सकते हैं, साथ ही साथ में उसको प्रॉपरली वॉश करके आप हाइजीन का थोड़ा सा ध्यान रखें, आंखों को ज़्यादा रब ना करें, अपने सफाई का बेहद ध्यान रखें, क्योंकि इस समय बारिश बढ़ रही है और बारिश के साथ काफ़ी सारी बीमारियां आती हैं। देखो डेंगू है, मलेरिया है, साथ में इस बार जो फैल रहा है अभी के टाइम पर वो आपका आई फ्लू है। तो अपनी आंखों का भी ध्यान रखें और अपने आसपास आपके घर में जितने भी लोग हैं उनका भी ध्यान रखें। आप जो चश्मा पहनते हुए लोगों को देख रहे हैं उसका यही कारण है कि ये आसानी से जब आपको बार बार आंखों से पानी आ रहा है तो आप उस चश्मे से थोड़ा सा उसे प्रिवेंट कर सकते हैं। लोगों के संपर्क में मत आइए, और संपर्क में मतलब डायरेक्ट कांटेक्ट में मत आइए, उनसे हाथ मत मिलाइए, उनकी वस्तुओं को थोड़ा सा ना छूइए, ताकि आपको ये जो वायरस और बैक्टीरिया से होने वाला कंजक्टिवाइटिस है ये यहाँ पर आपको भी ना यहाँ पर हो जाए। आंखों के ऊपर कुछ लड़कियां जो मेकअप ज्यादा लगाती हैं, भैया अभी के लिए रुक जाना, मत लगाना, ठीक है, अगर हो रहा है तो मत लगाना, बाद में इसका उपयोग कर लेना, वरना ये और ज्यादा आपको फैलता हुआ नजर आएगा। तो कुछ बेसिक प्रिकॉशंस आपने रखने, और मान लीजिए खुद घर पे डॉक्टर बनने बैठ जाओ, वो काम नहीं करना है। अगर ज्यादा हो रहा है, अगर आंखों से पानी आ रहा है, सूजन बहुत ज्यादा हो रही है, देन गो एंड विजिट अ डॉक्टर, एक डॉक्टर के पास जाइए और उससे अपनी सलाह लीजिए, ताकि आप प्रॉपर आई ड्रॉप्स का इस्तेमाल करके अपनी आंखों को और ज्यादा सेफली रख सकें, क्योंकि आपको पता है कि अगर इसका लेवल बढ़ गया तो आंखों की रोशनी पर भी इसका असर देखा जा सकता है। तो अपना भी ध्यान रखिए, अपने साथ वालों का भी ध्यान रखिए। अगर आपको भी दर्द, जलन, चुभन कुछ ऐसा हो रहा है तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको भी आई फ्लू है। एलर्जी और आई फ्लू में क्या अंतर है, आशा करूंगी आप सभी को समझ आया होगा। यूं ही बने रहे अपने रेगुलर सेशंस में, और ऐसी ही इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।